मामी जी, ओ, बारी ऐसे सिसकियां काहे ले रही हैं? आपने दरवाजा काहे बंद कर दिया? चुप रहे बिल्कुल। जा दरवाजा खोल जाके देख कौन आया है। हाँ देखते हैं। रहती हो हर जगह। अरे हम तो बस ये कह रहे थे। कुछ मत कहो तुम। अरे कल का घास खाने चल चली गई क्या तुम लोग की यार? अरे इतना यार घाव लगा है, इसमें मरहम लगाने के बदले मतलब पूरे से जा रहे हो हमारे जख्म। अमित जी अरे जाओ यार, हमें किसी की शक्ल देखनी है। जाओ यहाँ से, दिमाग खराब है हमारा, हम बता रहे सबकी दुर्गति कर देंगे, जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी यहाँ पे। तो हमारे पिताजी है पैदा करके छोड़ दिया उन्होंने, सड़ रहे हैं यहाँ पे रेलवे कॉलोनी के अंदर बैठे बैठे। क्या बोल रहा है अमित? क्या बोल रहा है? सही बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं हम अपना। सेवा में फटफटिया चमकाता रहता है, हमें यहाँ पे दोनों के बीच में बाउंडर में फंसे हुए। तो कहानी सुना जाएगा, बता अभी तो सही क्या हुआ है। जानना चाहती हो क्या हुआ है हमारे साथ? हाँ। ये जो हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे नकली तेवरों की वजह से हुआ है। कर्जा चुकाने गए थे, तुम्हारे जेवर लेके उनको पता चल गया, जेवर नकली पेल डाले हमको। हमारे जेवर चुराए, तूने अपनी मम्मी के जेवर चुराए। अरे तूने आज तक हमें एक चीज भी हमारे हाथ में रख के नहीं दी, और तूने हमारे ही जेवर चुरा लिए। तू बिल्कुल अपने पापा जी के जैसा है अमित, बिल्कुल नाकारा है तू। अरे शर्म नहीं आई तुझे? हम हर महीने जाके अम्मा के सामने वो भीख का कटोरा लेके खड़े हो जाते कि किसी तरह ये घर चल सके महीने भर के लिए, और तुम लोग हमारी ही लुटिया डुबोने पे तुले हुए। हो गई ना चिंता खत्म हमारी, अब शुरू हो गई अपने जेवरों की चिंता, लुटिया डुबाने लगे हम ना। एक अमित, तूने हमारे जेवर चुराए हैं, तू हमें मत सुना। बहुत गलत किया है तूने हमारे साथ। अम्मी जी कुछ खा लीजिए। अरे हटाओ यार, नहीं खाना हमको। हम यहाँ पप्पू बने हुए हैं, हम पे तरस आ रहा है। तुम्हारी अकल का मम्मी की तरह सैर पे निकल पड़ी थी जो नकली जेवर दे दिए, खींच खींच के बदला ले रही हो तुम हमसे, सब समझ रहे हैं। जी मेरा हाथ जुड़ी, हमें बहुत दुख रहा है। अरे हम कसम खा के कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता उन जेवरों के बारे में कि वो नकली कैसे थे, और भला हम ऐसा कैसे करेंगे। हम आपसे इतना प्यार करते हैं, और हमारे जेवर तो मम्मी जी के पास थे ना। अरे ओ, कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है समझी, नहीं तो पार्सल कर देंगे, बता रहे हैं। अरे हम जब सच कह रहे हैं कि हमको नहीं पता वो मम्मी जी के पास हमारे जेवर नकली कैसे होगा। अमित जी हम तो सच कह रहे हैं, पता यकीन काहे नहीं कर रहे। गाँव आपको लगे तकलीफ हमको हो रही है, आप कभी हमारा प्यार नहीं समझते। एक बार प्यार की नजरों से देखिए ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी रानी आपसे कितना प्यार करती है।
उसने अत्याचार करने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं। ओह, इसकी तो चिपका चिपकी ही खत्म नहीं होती। लड़का परेशानी में है और ये मेनका बने जा रही है चोर कही की। मम्मी जी हमको चोर मत कहिए, अगर हमने जेवर चुराए भी है तो अपने पति की मदद करने के लिए चुराए थे। हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में हमारे जेवर को हाथ लगाने की? वो सब तो ठीक है, और मदद काहे की मदद है? नकली जेवर देके मदद करने चली थी तुम हमारी, हमें फोन करके बोलती है कि आप आ जाइए अभी जी, हमें हमसे प्यार करते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, ले जाइए, चोरी चोरी कर ली और नकली चोरी कर लिए हैं। बढ़िया ही नकली जेवर देने वाली, और ये तो भगाई हुई दुल्हन है। मम्मी हम तो तुम्हारे असली बेटे हैं ना, हमारा नहीं समझ में आया तुमको है? रख दिया वो अपने जेवर, नकली जेवर पूरे बांध बांध के वहां पे। अरे अगर असली भी होते तो ये तुझे कहां देती, जाके बांध देती अपने प्रभा चाची के पल्लू से चोर कहीं की। तू एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई ताला खोलने की? तूने खोला कैसे ताला? अरे ताला का खोला पता नहीं, पिन विन निकाल के डाल के ऐसे कुछ ताला खोल दिया, उसको तोड़ दिया। मम्मी जी आपको जो कहना आप कह लीजिए, लेकिन एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, अगर हमारे पति पर कोई संकट या मुसीबत आएगी तो हम एक बार नहीं 100 बार ये जेवर चुराएंगे, आपकी तरह कुंडली मार के नहीं बैठ जाएंगे उस पे। अरे ठीक है वही तो इतनी देर से पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो अपनी मम्मी के यहाँ चोरी कर ली तुमने? अरे बोला ना यार, बिजनेस में मुसीबत थी, बिजनेस में उधार दिया था हमने, अब नहीं दे पाए तो गहने ले जाके दे दिया हमने उनको। मम्मी अब तो आपका लाडला बॉयज भी ना आपकी पगलेट भाव की तरह हरकतें कर रहा है, जैसे हमें मारा ना इसे भी मारो तभी अकल आएगी, भाभी के रूप में रखने वाला भैया। मारो सीसी। अरे चुप रहना तू परी, पागल हो गई का? हमारा दिमाग कोई पिलपिला नहीं हो गया है कि हम तेरे जैसे ढप्पो संत से सीख लेंगे? तुझसे कहा किसने दरवाजा खोल के बाहर आने के लिए? चल अंदर जा। मम्मी जी आपको जो कहना है आप हमें कह लीजिए, पर हमसे आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही है, हम आपके घाव साफ कर देते, बैठिए जरा यहाँ। हट हट, रास लीला ही खत्म नहीं होने को आ रही है, हम करेंगे इसके घाव साफ। चल अंदर चल चल, तू यहीं रहे।